Hello everyone, welcome you all here on my YouTube channel. Today this is our EVS class and in this class we will read chapter 5 and that is Beautiful Birds. आज हमारा EVS का 5th class है और आज हम लेशन 5th पढ़ेंगे और इसका नाम है Beautiful Birds. जैसे कि आपको इस picture में दिख रहा है कि यहाँ पे 3 beautiful birds है, बिल्कुल उसी तरह हम इस chapter में birds के बारे में जानेंगे, उसके पार्ट्स ऑफ बर्ड्स के बारे में जानेंगे, उनके विंग्स, उनके फैदर, उनके हैबिटेट्स, फिर वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका क्या फूडिंग हैबिट है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे. साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बर्ड क्यों माइग्रेट करते हैं, क्यों वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो किस प्रकार का खाना पसंद करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, कि वो किस किस प्रकार के होते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल सी ऑल दिस थिंग्स. सो डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. Birds are one of the most beautiful creation of God. They are one of the living species that can fly. Birds जो होती हैं वो God के creation का सबसे अनमोल, सबसे खूबसूरत चीज़ है. They are one of living species that can fly. केवल ये एक ऐसी प्रजाति है जो उड़ सकते हैं. A bird's body has mainly 3 parts. एक bird जो होती है उसके mainly 3 part होते हैं, उसके body के 3 part होते हैं. Head, trunk and tail. Every bird has 2 limbs to walk and hop. हर एक बर्ड के 2 limbs होते हैं, एक उछलने के लिए और एक चलने के लिए. Most birds have wings to fly. बहुत सारे birds ऐसे होते हैं जिनके पास wings होते हैं और जिनके मदद से वो आसानी से उड़ सकते हैं. Birds can fly in the air because हम जानते हैं कि birds जो होती हैं they can fly in the air. But ऐसा क्यों, वो क्यों उड़ सकती है, इसके पीछे का कोई reason होना चाहिए. Birds उड़ सकती हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते. तो सबसे पहला point है they have 2 wings. उनके पास 2 wings होते हैं, मतलब 2 पंख होते हैं. They have a light body. सबसे important चीज़ है कि उनका जो body होता है वो light होता है, मतलब हल्का होता है. Because of the hollow bones. उनका बॉडी लाइट क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो हॉलो होती हैं, मतलब खोखली होती हैं. दैट फिल्स विद एयर टू हेल्प देम फ्लाई, जिसके कारण उसमें हवा भर जाता है और हवा भरने के कारण वो आसानी से आकाश में उड़ सकती हैं. और तीसरा ये है कि दे हैव अ स्ट्रीम लाइंड और बोट शेप्ड बॉडी दैट हेल्प्स देम टू फ्लोट इन द एयर एज अ फिश स्विम्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रीम लाइंड बॉडी. देयर टेल हेल्प्स देम इन चेंजिंग डायरेक्शन इन द एयर. थर्ड पॉइंट ये है कि जिस प्रकार एक नाव होता है वो कैसे पानी में चलता है, पानी के धारा को काटते हुए, बिल्कुल बर्ड्स जो होती है उनका शेप भी बिल्कुल एक नाव की तरह ही होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जब वो हवा में उड़ते हैं तो हवा को काटते हुए आकाश में तेज़ी से उड़ते जाते हैं और उनकी जो पूंछ होती है उनको मदद करती हैं उनके डायरेक्शन को चेंज करने में. देयर स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स दैट आर अटैच टू देयर विंग्स हेल्प देम इन मूविंग देयर विंग्स अप एंड डाउन. उनका जो स्ट्रॉन्ग और फ्लाइट मसल्स होता है जो कि उनके विंग्स से जुड़ा होता है वो उनको ऊपर और नीचे करने में मदद करता है, यानी जो फ्लाइट मसल्स होते हैं वो विंग्स को अप एंड डाउन करने में उनकी मदद करते हैं. अब हमारा है विंग्स एंड फीदर्स, अब हम इसके बारे में जानेंगे. अ बर्ड हैज़ मेनली 3 टाइप ऑफ फीदर्स. बर्ड्स जो होते हैं उनके 3 तरह के, उनके 3 टाइप्स के फिदर होते हैं. फर्स्ट आपका फ्लाइट फीदर्स, दूसरा है बॉडी फीदर्स एंड थर्ड है आपका डाउन फीदर्स. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्लाइट फीदर्स. फ्लाइट फीदर्स आर द फीदर्स दैट आर अ पार्ट ऑफ बर्ड्स विंग एंड टेल. फ्लाइट फीदर वैसे फीदर होते हैं जो बर्ड के विंग्स और टेल के पार्ट होते हैं, मतलब ये बर्ड के विंग्स और टेल में पाए जाएंगे. दीज फीदर्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. ये फीदर जो होते हैं, फीदर्स जो होते हैं वो बर्ड को उड़ने में मदद करते हैं. अब हमारा सेकेंड पॉइंट है बॉडी फीदर्स. दीज फीदर्स गिव शेप टू द बॉडी ऑफ अ बर्ड एंड कवर इट्स होल बॉडी. ये वैसे फीदर होते हैं जो बर्ड के बॉडी को शेप देते हैं, मतलब उसके पूरे बॉडी को कवर करके रखते हैं. डाउन फीदर्स. दीज फीदर्स आर सॉफ्ट एंड शॉर्ट. ये जो फीदर्स होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब इनका जो आकार होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है. दे कवर द स्किन ऑफ द बर्ड एंड कीप दैम वॉर्म. डाउन फीदर्स जो होते हैं वो बर्ड के स्किन को कवर करते हैं और उन्हें गर्म रखने में उनकी मदद करते हैं. अ लिटिल बर्ड हैज़ अ लॉट ऑफ डाउन फीदर्स. एक छोटा सा जो बर्ड होता है, बेबी बर्ड जो होता है, उसके पास बहुत सारे डाउन फीदर्स होते हैं दैट फॉल डाउन एज द लिटिल बर्ड ग्रोज अप इनटू एन अडल्ट बर्ड. और धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका जो डाउन फीदर होता है वो गिरता जाता है, क्योंकि जब वो बड़ा होता है तो उसके जितने भी छोटे छोटे फीदर्स होते हैं वो क्या होते हैं,
झड़ जाते हैं और वो नए नए फिदर्स आते हैं जो उसको शेप देने में उसकी मदद करते हैं। अब हम जानेंगे बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स, बर्ड्स के बारे में और वो उनके हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मीन्स होता है आवास। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज टू फ्लाई। हम जिस प्रकार है हर एक व्यक्ति जो होता है, हर एक इंसान होता है, जिनकी आदत अलग अलग होते हैं, जिनकी कैपेसिटीज अलग अलग होती है, उसी प्रकार अलग अलग बर्ड्स की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग। कोई बहुत तेज़ उड़ सकता है, कोई बहुत स्लो उड़ेगा, कोई मीडियम में उड़ेगा, तो उनकी कैपेसिटी उड़ने की अलग अलग होती है। जैसे हम ईगल को देखें, वो बहुत ही ऊँचा उड़ सकता है। अब जैसे डक हो गया, वो बहुत नीचे उड़ता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। दे हैव डिफरेंट हैबिट्स टू, साथ ही साथ उनके अलग अलग हैबिट्स भी होते हैं। बर्ड्स लिव इन द फॉरेस्ट, इन ट्रीज़, ऑन द ग्राउंड, माउंटेन्स एंड इन डेजर्ट। बर्ड्स जो होते हैं वो जंगलों में, पेड़ में रहते हैं, धरती पे रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं और डेजर्ट एरियाज में भी रहते हैं। सम बर्ड्स लिव नियर वाटर बॉडीज लाइक लेक, रिवर एंड पॉन्ड्स। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो पानी वाले क्षेत्रों के जगह के बगल में रहते हैं, जैसे वो लेक, तालाब हो गया, नदी हो गई, इन सब जगहों पे रहते हैं। द बर्ड्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर कॉल्ड एक्वेटिक बर्ड्स। एक्वेटिक बर्ड्स वैसे बर्ड होते हैं जो अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताते हैं, पानी के किनारे बिताते हैं। द एक्वेटिक बर्ड्स हैव स्पेशल ऑयल ग्लैंड्स एंड वेब्ड फीट। एक्वेटिक बर्ड्स जो होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो स्पेशल ऑयल ग्लैंड्स, बहुत ही चिकना होता है, और उसके जो पाँव होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मीन्स चपटे होते हैं। These oil glands cover their feathers with a layer of oil and save them from getting wet. ये जो oil feather होता है ना, special oil glands होता है ना, उनके body में क्या करता है, पानी को absorb होने से रोकता है। मतलब वो पानी उसके body में तो आएगा लेकिन वो झड़ जाएगा, मतलब उनके पंख को वो गीला नहीं करेगा। Their webbed feet work like paddles in the water, helping them to swim. उनके जो चपटे पाँव होते हैं वो एक पडल के जैसा काम करते हैं और उनको पानी में स्विम करने में उनकी मदद करते हैं। डक्स एंड गीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स विथ वेब्ड फीट। डक और गूज जो है, या गीज जो है, दो अच्छे एग्जाम्पल है एक्वेटिक बर्ड्स के, जिनके क्या होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। सम एक्वेटिक बर्ड्स लाइक हिरोन एंड क्रेन हैव लॉन्ग एंड थिन लेग्स दैट हेल्प देम टू वॉक इन द शैलो वाटर। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे हिरोन और क्रेन, इनके पास लंबे लंबे और पतले पतले पाँव होते हैं जिसके मदद से वो पानी में आसानी से चलते हैं। सो इन दिस वीडियो हम बस इतना ही देखेंगे कि एक्वेटिक बर्ड्स क्या है, हमने ये जाना, बॉडी फीदर, डाउन फीदर, फ्लाइट फीदर्स, इनके बारे में जाना, बर्ड का जो शेप होता है कैसा होता है, वो क्यों उड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों को हमें जाना। होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू।